first time in the world I created a panchayat academy. How many panchayats you have trained so far? Right now, I in Tamil Nadu, I got around 1,000 panchayats. All over Tamil Nadu. Okay. And other parts of the India also, I got around 500, 600 panchayats. Do they have to pay any fee to get trained? They come there because after all, it's his own friend's thing. So they may pay money for the food and other thing. It's not a fees or anything. Okay. Just maintenance. And the trust is also raising some fund. Okay. And based on that, we are doing. Interestingly, thanks to the government's principle of organizing women as self-help group, say they started 12 to 15 people as a small group. Okay. And they started with evlo savings aarambichirupinga 10 rupees aarambathile 500. So they started 50 rupees their contribution. Self-help group. Yeah, self-help group. Say, was that 2005? Yeah, they started in 2004 and 5. Of course, Panchayat initiated and supported them. Each group is containing around 12 to 15 people. Okay. Say, about 1,000 and 1,000 odd women are the self-help group members. And now they are got federated as Panchayat level federation. Previously, each self-help group is an individual unit. Sure. I was linking them. My trust and my panchayat was linking them. Now they themselves got federated as a panchayat level federation. And this panchayat level federation is a registered society. Now they got it registered with the government. And now they are a strong entity to borrow loans, to lend loans. So the vibrancy of the people, that's called, I used to say, the music of development of villages. There must be a vibrancy. Anywhere I go there, now people come there. They discuss, okay, you do this, you do that. That kind of thing. If that kind of thing happens in no time, maybe in 5 years' time, this country will be filled with happiness. सर्व पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत. मंगलम शिवा मंगल सावधान आली सर्व मंडळी नाचे वाई आणि सर्व मान्यवर व्यक्ती बंधू आणि भगिनी. 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ. खेमकरण के सीमा पर मैं था. दुश्मन ने हमारे ऊपर हवाई हमले किए. मेरा काम था ट्रांसपोर्ट, गोला बारूद अनाज लड़ने वाले जवानों को वहाँ पहुँचाना. तो दुश्मन का एम था कि ये कन्वॉय को तोड़ देना, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और मेरे सब साथी शहीद हो गए. मैं जिस गाड़ी की ड्राइव कर रहा था उस गाड़ी में 25-30 गोली लग गई और मुझे कुछ नहीं, एक टुकड़ा लग गया. जैसे पाकिस्तान के हमला से बच गया, ऐसे मिजोरम के हमला से भी बच गया. 3 बार मैं बच गया. ये भगवान की कोई इच्छा है कि कुछ ना कुछ करवाने की, इसलिए मैं बचा. ये मेरी धारणा बन गया. और 15 साल के बाद मैं वॉलंटियर पेंशन पर आ गया. तो 75 में मैं वापस आ गया. बीच बीच में छुट्टी पर आता था, गांव के हालात देखता था. 40 शराब की भट्टी थी, पेट संभालने के लिए शराब निकालते हैं, शराब पीते हैं, गांव-गांव में बिक्री करते हैं, बाल बच्चों को संभालते हैं. ये ड्रॉट पॉन एरिया है, अकाल पीड़ित एरिया है, वर्षा बहुत कम होती है और योग्य कृति है वो भी पानी बह कर जाता है. पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते हैं लोग. ऐसे स्थिति में गांव जा रहा हूँ, देखता था सब, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था. अभी जब वॉलंटियर में आ गया तब गांव में शुरुआत किया. मैं पहले उनका पेट का रोटी का सवाल था, ये कैसे छुड़ाएगा रोटी का सवाल. हमारे से 2 साल पहले एक प्रयोग हुआ था पंचायत विलासराव सालुंग के बोल के, बारिश का पानी उसको रोका, रिचार्ज किया,
अंडरग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाया और उससे एग्रीकल्चर का डेवलप 2 साल में रिजल्ट मिलने लगे थे, लोग जाकर देख रहे थे। मैं गया पुणे जिला में, सासवड बोल के जगह है, वहाँ पर देखा तो मुझे वो प्रेरणा मिली और मैं सोचा ये तो हम भी कर सकते हैं अपने गांव में। तो मैं सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर है उनसे जाकर मिला कि ऐसे ऐसे करना है, मैंने मेरा जीवन इसी काम के लिए देने के लिए तय किया है और बैचलर रहकर ये करने के लिए मैंने सोचा है, आप अगर हम मुझे साथ दिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगा और 2 दिन में इधर आए, पूरा देखा तो उन्होंने सोचा कि इधर तो अच्छा काम हो सकता है, बहुत अच्छी साइट है, तो पहले गांव को बदलना पड़ेगा, जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे हम गांव का बर्थडे मनाते हैं। अच्छा, तो गांव के बर्थडे में क्या होगा, वयोवृद्ध स्त्री, वयोवृद्ध पुरुष हर साल वो बदलते जाएंगे, लेकिन जो वयोवृद्ध स्त्री है, वयोवृद्ध पुरुष है, वो हमारे गांव के माता है, पिता है, सबने उनका पूजन करना, ऐसा प्रोग्राम होता है। गांव के माता, गांव के पिता, कभी कभी दलित महिला का भी पूजन किया गांव वालों ने, क्योंकि वो हमारे गांव की माँ है, गांव एक परिवार है, ऐसी धारणा बनती है और ये हर साल चलते रहता है, तो इससे एकता की भावना दृढ़ होती है।